हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक लवर हिंदी पर एक बार फिर से। तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 गेमिंग स्मार्टफोन जिनको आप बाय कर कर हाई एंड लेवल की गेमिंग का मजा उठा सकते हैं। दोस्तों, मेरी लिस्ट में कुछ फोन पुराने होंगे और कुछ फोन नए। गेमिंग फोन के बारे में सभी डाउट्स क्लियर करूंगा दोस्तों। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। पर सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और साथ ही जो घंटा दिख रहा है उसको बजा डालो दोस्तों इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। जो मेरी लिस्ट का सबसे पहला फोन है दोस्तों, वो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से 08i। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। तो इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक G90T प्रोसेसर जो कि गेमिंग के लिए बना हुआ है दोस्तों, और 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज जो कि गेमिंग के लिए मोर देन इनफ है दोस्तों। अंडर 50,000 में आपको कोई भी फ़ोन 8GB की रैम वैल्यू ऑफर नहीं करता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इस फ़ोन की बैटरी की, तो इसमें आपको मिलती है 4500 mAh की एक बैटरी, और इसके साथ मिलता है एक 33W का फास्ट चार्ज जो कि आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा एक घंटे के अंदर, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर मैं बात करूं इस फ़ोन की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलती है एक फुल HD की IPS LCD डिस्प्ले विद 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें आपको 480 nits ब्राइट स्क्रीन देखने को मिलती है। अगर आप इस पर गेमिंग करोगे दोस्तों, तो आपकी गेमिंग बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है, क्योंकि इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट है। पर इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलती। आगे के फ़ोनों में सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। तो आगे तक इस वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों। अगर मैं बात करूं इस फ़ोन के कैमरा की, तो इसमें आपको मिलता है क्वाड रियर कैमरा सेटअप, 48 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस AI कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों। वैसे गेमिंग वीडियो में कैमरा को बताने की एक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक गेमिंग स्मार्टफोन वीडियो है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, तो ये मिलेगा आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट अंडर 15,000 में, यानी कि 4999 में ऑफलाइन या ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। और साथ साथ इसकी लॉन्च डेट भी बता ही देता हूँ दोस्तों। ये लॉन्च हुआ था December 9, 2020 को। इसको लॉन्च हुए 5 महीने हो गए हैं, पर ये एक वैल्यू फॉर स्मार्टफोन गेमिंग स्मार्टफोन बन गया है। अगर मैं बात करूं अपने अगले स्मार्टफोन की, तो वो आता है रियलमी की तरफ से Realme 7। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अब तो रियलमी 8 आ गया है, तो रियलमी 7 क्यों? क्योंकि रियलमी 7 में जो प्रोसेसर है वही प्रोसेसर रियलमी 8 में देखा गया है दोस्तों। बस उसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो उसमें IPS LCD पैनल है दोस्तों। दोनों में मीडियाटेक G95 प्रोसेसर दिया गया है दोस्तों, जो G90T से स्लाइडली बेटर प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। और इसमें आपको 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है दोस्तों। दोनों में 64 MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। दोनों में ही आपको 5000 mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिलती है, और 13W का फास्ट चार्ज देखने को मिलता है दोस्तों। अब इन दोनों की लड़ाई में जो तीसरा मोबाइल फ़ोन आ गया है दोस्तों, वो भी आता है Realme की तरफ से, Realme Narzo 20 Pro। अब तो इस फ़ोन में भी आपको G95 प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, उनकी ही तरह। बस इसमें आपको 65W का फास्ट चार्ज देखने को मिलता है, जो कि आपके फ़ोन को बहुत ही तेज़ी से चार्ज कर देगा दोस्तों। बाकी स्पेसिफिकेशन Realme 7 की ही तरह है, और इसमें आपको 48 MP का कैमरा देखने को मिलता है, उनमें 64 MP का कैमरा देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे हो कि मुझको कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीनों ही स्मार्टफोन में मीडियाटेक G95 प्रोसेसर यूज़ किया गया है दोस्तों, जो कि गेमिंग के लिए ही बना हुआ है। अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है, तो आप Realme 8 और Realme 7 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि Narzo 20 Pro में आपको 48 MP का ही कैमरा देखने को मिलता है। अगर आपकी प्रायोरिटी डिस्प्ले है, तो आप Realme 8 के साथ जा सकते हैं दोस्तों, उसमें सुपर एमोलेड 100 nits ब्राइट स्क्रीन देखने को मिलती है दोस्तों, जो कि आपकी गेमिंग को बहुत ही हाई एंड लेवल पर ले जाएगी।
तो बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के प्राइस की। तो इन तीनों स्मार्टफोन में से Realme 7 और Realme Narzo 20 Pro आपको 13,000 में ऑफलाइन और ऑनलाइन मिल जाएंगे दोस्तों। इनकी प्राइस बहुत कम हो गई है, 6GB 64GB इन दोनों में ही आपको मिल जाएगी। और जो Realme 8 है वो आपको 4GB 128GB पूरे 15,000 में ही देखने को मिलेगा, 14999 में। वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको किस स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। अगर आप कम पैसे में हाई एंड लेवल की परफॉर्मेंस पाना चाहते हैं तो आप जो स्मार्टफोन पहले लॉन्च हुए हैं दोस्तों वो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाते हैं, तो आप उनको भी बाय कर सकते हैं। जो मेरी लिस्ट का अगला स्मार्टफोन है दोस्तों वो आता है Redmi की तरफ से Redmi Note 9 Pro। इस स्मार्टफोन को भी लॉन्च हुए 8-7 महीने हो गए हैं दोस्तों, पर ये आज वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन गया है गेमिंग की वजह। इसमें लगा हुआ है Snapdragon 720G प्रोसेसर और इस प्रोसेसर के अंदर जो GPU है वो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक बिग स्क्रीन, जो फुल HD IPS LCD पैनल देखने को मिलता है दोस्तों। इसमें आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और 450 निट्स इसकी फुल ब्राइटनेस है दोस्तों। इसकी बैटरी की बात करूं दोस्तों तो इसमें आपको मिलती है 5020 mAh की एक बिग बैटरी विद 18 वॉट फास्ट चार्जर देखने को मिलता है दोस्तों। इसके प्राइस की बात करूं तो ये आपको ऑफलाइन 12,000 में भी देखने को मिल सकता है दोस्तों, और ऑनलाइन ये आपको 13,000 में 4GB 64GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा दोस्तों। जो मेरी लिस्ट का अगला स्मार्टफोन है दोस्तों वो आता है पोको की तरफ से पोको X3। इसके प्राइस बहुत डाउन हो गए हैं दोस्तों क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था। अगर मैं बात करूं इस फोन के प्रोसेसर की तो इसमें लगा है Snapdragon 732G जो 720G से स्लाइडली बेटर प्रोसेसर है दोस्तों, और इसमें लिक्विड कूलर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन को हीट होने से बचाता है और आपके फ़ोन को ठंडा रखता है दोस्तों। और इस मोबाइल फ़ोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं दोनों तरफ, जो कि एक गेमर को ही पता है कि एक साउंड क्वालिटी का कितना महत्व होता है। इसकी बैटरी की बात करूं तो इसमें मिलती है आपको 6000 mAh की एक बिग बैटरी विद 33 वॉट फास्ट चार्ज। इस मोबाइल फ़ोन को फुल चार्ज करने के बाद आप इसमें 7-8 घंटे गेमिंग कर सकते हैं दोस्तों, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6-7 घंटे गेमिंग में ही खर्च कर दो और कुछ मत करो, करने को कर सकते हो, ऐसा कह रहा हूँ। इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो दोस्तों इसमें मिलती है 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है दोस्तों, और साथ ही साथ ये डिस्प्ले HDR10 को सपोर्ट करती है दोस्तों, तो आपको गेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाने वाला है। इस फ़ोन के प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस अंडर 15,000 में आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। जो मेरी लिस्ट का आखिरी स्मार्टफोन है दोस्तों वो आता है Redmi की तरफ से Redmi Note 10 Pro। ये स्मार्टफोन एक गेमर को सभी चीज़ें प्रोवाइड करने का दम रखता है दोस्तों, वो भी बजट में रहते हुए। इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो दोस्तों इसमें मिलता है आपको Snapdragon 732G प्रोसेसर, जो कि गेमिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों, जिसमें आप हाई एंड लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। इसकी बैटरी की बात करूं दोस्तों तो इसमें भी मिलती है आपको 5020 mAh की एक बिग बैटरी विद 33 वॉट फास्ट चार्ज। इसकी डिस्प्ले की बात करूं दोस्तों तो इसमें मिलती है आपको 6.67 इंचेस की एक सुपर एमुलेट फुल HD की एक डिस्प्ले, जो 120 हायर रिफ्रेश रेट के साथ आती है दोस्तों, जो 1200 nits ब्राइट है। ये डिस्प्ले HDR10 को भी सपोर्ट करती है दोस्तों, तो आपको गेम खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाने वाला है इस फ़ोन के साथ। इसके प्राइस की बात करूं तो ये लगभग आपको
6GB 64GB वाले वेरिएंट की 16,000 या 17,000 ऑफलाइन या ऑनलाइन प्राइस देखने को मिल सकती है दोस्तों, पर बदले में ये आपको जो वैल्यू ऑफर करता है वो बहुत अमेजिंग रहने वाली है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। सपोर्ट मी एंड माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।